आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिंधिया दिग्विजय और नकुल नाथ मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे तीनों। कारगिल युद्ध में पांव पर आ गिरा था पाक का गोला, अब बसपा की तरफ से लड़ेंगे फौजी ललन सिंह यादव। बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, राहुल गांधी ने कर दी भविष्यवाणी। पतंजलि का मामला क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को होना पड़ा पेश। यूपी राजस्थान में बारिश तो इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। इजराइल ईरान में किसकी सेना ज्यादा मजबूत, दोनों देश के पास कौन कौन से हथियार। यूएई से लेकर ओमान तक भारी बारिश से त्राहिमाम। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कर्ज लेने का तरीका, आरबीआई ने बढ़ा दी बैंकों की जिम्मेदारी। प्रेगनेंसी में भी लगातार काम कर रही दीपिका पादुकोण। और T20 विश्व कप में रोहित कोहली करेंगे ओपनिंग। मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेता आम चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। मंगलवार को गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने नॉमिनेशन किया था। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली थी और कांग्रेस ने 15 साल बाद राज्य में सरकार थी। हालांकि यह सरकार 15 महीने भी नहीं चल सकी थी और मार्च 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से सत्ता का उलटफेर हो गया था। सिंधिया ने 20 से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। यूपी में एक तरफ गर्मी का मौसम तो दूसरी तरफ सियासत पारा चढ़ता जा रहा है। 1 जून को अंतिम चरण में बलिया के मतदाता वोटिंग करेंगे। बीजेपी ने वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने उनका मुकाबला करने के लिए गाजीपुर के रहने वाले ललन सिंह यादव को उतारा है। ललन सिंह फौजी रह चुके हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उनके पैर में बारूद के गोले से चोट लगी थी, उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर आर्मी अस्पताल ले गया था। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के समय सीटों की संख्या को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बुधवार 17 अप्रैल को उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी के खाते में 150 तक ही आएगी। गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में जबरदस्त अंडर करंट है। उन्होंने कहा कि मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता, 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें मिलेगी। हमें हर राज्य से रिपोर्ट मिल रही है कि हम सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक योग गुरु रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है, यानी पतंजलि को हफ्ते भर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस हमातुल्ला की बेंच के सामने रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि इससे मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने माफी और 2 अप्रैल 10 अप्रैल को दायर किए गए माफी के हलफनामे को अभी स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने पतंजलि की तारीफ भी की और कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के सख्त लहजे के बीच रामदेव ने कहा, हमारा कोर्ट के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं है। अब मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 18 से 21 अप्रैल के दौरान बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुवार 18 अप्रैल से रविवार के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम में 16 से 21 अप्रैल के दौरान हल्की मध्यम बारिश हो सकती है।
सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में ईरान के 11 सैनिक मारे गए थे, जिनका आरोप इजराइल पर लगा। इसके बाद बीते शनिवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। वहीं इस कार्रवाई पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। इस तनाव के बीच दुनिया के देशों का धुरियों में बंटना भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने कहा कि वह इजराइल को हथियारों का निर्यात करना जारी रखेगा। इस बढ़ते तनाव के बीच दोनों देश अपनी सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और उसके आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने भयावह स्थिति बना दी है। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में शुमार दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। हालत ये हुई कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। शहर के हाईवे पर गाड़ियां पानी में फंस गई और शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक पानी घुस गया। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश सोमवार रात को शुरू हुई और मंगलवार शाम तक इतना पानी बरसा जितना पूरे 1.5 साल में बरसता है। यूएई से पहले ओमान के अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और बताया था कि देश में पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बैंकों से लोन लेने का तरीका 1 अक्टूबर के बाद काफी बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और NBFC को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि ग्राहक को दिए गए लोन पर अब ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके लिए बैंक की ओर से की फैक्ट स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। यह लोन की कुल लागत को बहुत ही आसान शब्दों में ग्राहक को बताएगा। नए नियम के बाद लोन लेने वाले ग्राहक को उसकी वास्तविकता लागत पता चल सकेगा। अभी बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर के अलावा अन्य कोई जानकारी ग्राहक को नहीं दी जाती है। साल 2024 सितंबर महीने में बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण मां बन जाएगी। इस पल को महसूस करने के लिए एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका दोनों ही काफी एक्साइटेड हैं। प्रेगनेंसी में जहां ज्यादातर एक्ट्रेस पूरा आराम करने पर ध्यान देती है, तो वहीं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेगनेंसी में भी लगातार काम कर रही है। हाल ही में रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही सिंघम अगेन के सेट से दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें लीक हुई, जिसमें वह पुलिस अफसर बनी हुई है। IPL 2024 के बाद वेस्टइंडीज अमेरिका की सह मेजबानी में T20 विश्व कप खेला जाना है। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कुछ दिनों पहले T20 विश्व कप की टीम के चयन को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, अजित अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने एक मीटिंग की थी। जैसे जैसे संभावित स्क्वाड के चयन को लेकर तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इस मीटिंग से जुड़ी रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चयनकर्ता रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपनिंग कराने पर भी विचार कर रहे हैं।